कुछ कहने को नहीं रहा क्योंकि जो कहना है सबने कह दिया। प्रदीप कौर ने तो पूरा मेरा भाषण ही ले लिया। मैं एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि शायद हम लोग थोड़ा CAA NRC के बारे में ही बात करें, क्योंकि जो ये आंदोलन खड़ा हुआ खड़ी हुई जामिया से लेके शाहीनबाग तक और पूरा देश में, ये क्यों हुआ और ये NRC CAA है क्या? तो फर्स्ट I'll try to speak in English and then translate. जब NRC CAA की बात हो रही थी, when it was being discussed, I actually traveled to Assam. I traveled to the villages and the little islands on the Brahmaputra where we have 1.9 million people. मतलब 2 लाख लोगों का नाम मिटा दिया गया है NRC से। तो ये NRC क्या है, CAA क्या है? There's only one time in history when a state has said to its people that we will decide who is a citizen depending on a set of documents that we will approve. And that was in 1935 Nazi Germany, the Nuremberg citizenship law. So, sirf jab Hitler ke raj mein 1935 mein Germany mein ye kiya gaya tha ki state decide karenge ki citizen kaun hai aur wo usi document se decide karenge jo state documents बनाएंगे और देंगे, लेगेसी पेपर जिसको कहते हैं। एक्चुअली ये शुरू हुआ था असम में बांग्लादेशी सिटीजन के खिलाफ। अब CAA भी आ गया, तो वी आर इन अ सिचुएशन वेयर ऑल्दो द NRC एंड द CAA एम्ड अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी विदाउट एनी डाउट, इट इज अ फैशनिस्ट राइट विंग Hindu government trying to delegitimize the citizens. But in practice, when you look at even what has happened in Assam, the majority of the people who are not on the NRC are not Muslims, because Muslims have been so threatened over there that they have all their documents. But the poor, the Dalits, the Adivasis, the women do not have documents. So the NRC and CAA is a move by a fundamentalist fascist government to cut the ground from under the feet of citizens. So if you look back at this government, the people that it hates formally, the people that the RSS hates formally, are Muslims, Christians and communists. जो वो मतलब पब्लिकली जो घृणा करते हैं लोगों को वो है मुसलमान, क्रिश्चियन एंड कम्युनिस्ट। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा सरकार है जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं लेकिन सबको घृणा करते हैं, गरीबों को भी, मजदूरों को भी, आदिवासियों को भी, मुसलमानों को भी और अपना भी वोटर्स को भी। आप देखो जैसे इफ यू लुक एट द वे मोदी हैज ऑपरेटेड, द पीपल आर द पब्लिक एनिमी टू बी एम्बुश्ड। सो सबसे पहले वो शुरू होता है डिमोनेटाइजेशन बीच रात को, जैसे किसी ने कोई क्रिकेट बैट लेके आपका रीढ़ का हड्डी को तोड़ दिया, डिमोनेटाइजेशन हो गया। उसके बाद CAA NRC, उसमें हैना एरेंट जो एक जूश इंटेलेक्चुअल थी, शी सेड द सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट। सो व्हेन यू थ्रेटन द सिटीजनशिप ऑफ अ होल पॉपुलेशन, मुस्लिम,
Dalit, Adivasi, anybody who doesn't have documents. What happened? जैसे असम में वो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? जो खुद डिटेंशन सेंटर में डिटेन हो जाएंगे वो लोग बना रहे। लेकिन जो स्केल में ये एनआरसी सीए होगा, ये मतलब 10 करोड़ लोगों को तो डिटेंशन सेंटर में नहीं डाल सकते ना, तो क्यों बना रहे डिटेंशन सेंटर? इसीलिए बना रहे कि हमारा इमेजिनेशन में ये होना चाहिए कि इन लोगों का जगह ये है, मुसलमानों का जगह डिटेंशन सेंटर में है, आदिवासी का जगह डिटेंशन सेंटर में है। अब इनके पास कोई हक नहीं है तो वो बिना हक के एक तरह का दूसरा लाइक अ टियर्ड कास्ट सिस्टम, अ न्यू कास्ट सिस्टम पैरेलल टू द ओल्ड कास्ट सिस्टम, दोनों साथ साथ में रहेंगे और कुछ सिटीजन्स के पास राइट होंगे और कुछ सिटीजन्स के पास राइट नहीं होंगे। तो सब लोग हम लोग सब डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, हम लोग सब अपना औकात ढूंढते रहेंगे, तब हम कैसे लड़ेंगे? तो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई व्हाट द स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू डिड, व्हाट द स्टूडेंट्स ऑफ जामिया डिड, वाज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थ्रेट ऑफ दिस। दिस इज अ थ्रेट व्हिच हैज टू बी टर्न बैक। जैसे इन्होंने पहले डिमोनिटाइजेशन किया, फिर एनआरसी सीएए किया, फिर बस 4 घंटे नोटिस में लॉकडाउन लगाया, जब लाखों लाखों मजदूरों उनके उनके जहन में नहीं था इस सरकार का कि ऐसे लोग होते हैं देश में जिसको मतलब एक कमरे में रहना है, रेंट देना है, काम करना है, नहीं तो हम वो रह नहीं सकते शहर में। तो उनको मतलब ओवरनाइट हजारों माइल मतलब पैदल जाना पड़ा अपने गांव में। अच्छा, उसके बाद आ गया फार्म लॉज, वो पूरा किसानों का जो जमीन छीनने वाले अपना किसानों का जो अस्तित्व को खत्म करने वाले। और ये सब पहले जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहा, पहले छत्तीसगढ़ में चल रहा था, पहले नर्मदा में चल रहे थे, अब वो लोग गरीब है, दूर है, गाँव में रहते तो कोई नहीं सुन रहा था। अब जब पानी हमारे घर तक आ गए, सबको समझ में आ रहे कि ये लोग कौन है, क्या है, क्या कर रहे। सो व्हाट इज द व्हाट हैपेंड विद द स्टूडेंट्स इन जामिया? ऑफ कोर्स दिस होल डीमोनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, द डीमोनाइजेशन ऑफ जेएनयू, द डीमोनाइजेशन ऑफ students like Omar Khalid started in 2016, because a fascist regime, it is not against just intellectuals, it's against all forms of intelligence. It is against the intelligence of farming, it is against the intelligence of working the land, it is against the intelligence of craft people. It understands nothing but hatred. अब हमारे पास एक ऐसा सरकार है जो देश को प्यार करते हैं लेकिन लोगों को प्यार नहीं करते। तो कल मोदी जी वहां पे सीमेंट भारत माता बना दिया था नक्शा काशी मंदिर में, उसको प्रणाम कर रहे थे, जब पूरा देश ये इकोनॉमिक और कोरोना और हर एक्टिविस्ट जेल में है, स्टूडेंट जेल में है, इंटेलेक्चुअल जेल में है, वो किसको पूजा कर रहे थे वहां पे? किसानों को नहीं, दलितों को नहीं, मजदूरों को नहीं, महिलाओं को नहीं, आदिवासियों को नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं, बुद्धिजीवियों को नहीं, फिर किसको? अंबानी को, अडानी को? पूरा इलेक्शन का सिस्टम बदल दिया गया है। अब इलेक्शन का फंडिंग कैसे चल रहा है कि सिर्फ बीजेपी के पास जाता है? द होल वे इन विच इलेक्शन आर फंक्शनिंग नाउ, delimitization of constituencies, all the people, the electoral bonds, all of this, every institution in this country, levers have now been taken over, not by BJP, but RSS, by that ideology. So even if they lose the election, those people are still in power in every institution of this country.
The chief previous Chief Justice Ranjan Gogoi turned the Supreme Court into an administrative organization administering the day-to-day activity of NRCCAA, postponing the hearing on whether this was constitutional or not. So you're implementing it before you know whether it's constitutional or not. That is a mockery of the Supreme Court. So what is the future going to be? This is a really big question for all of us. And unless we understand that all these struggles are linked together, if we keep fighting alone, if Jamia fights for Jamia, if JNU fights for JNU, people in Chhattisgarh fight for Chhattisgarh, farmers fight for farmers, this is what they want. This caste against that caste, this religion against that religion. So to understand the threat we are facing today, our country, India, is a social contract between hundreds of communities, languages, religions, ethnicities, castes, regions, races. If you break that contract, and the ideology of the RSS and the BJP is to break that contract. If you break that contract, there is no India. Maybe 10 years from now, maybe 15 years from now, there is no India. For a country to be finished, just look at the Soviet Union. Just look at Yugoslavia. So, for us to understand that the fight that the students of JNU, the students of Jamia, the students of AMU, and all the other people who stood up to CAA understood that this is a fundamental threat to this country. Aaj jo jail mein hai, UAPA mein, aisa ek kanun kaisa ho sakta hai democracy mein ki aap kisi ko bhi utha ke सालों के लिए रख सकते जेल में, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहां पर होता है ऐसा कानून? और जिसको उन्होंने उठाया टेररिज्म के लॉ में, इसीलिए उठाए हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं है, इसीलिए उनको टेररिस्ट कहा जाता है. साई बाबा इज नॉट अ टेररिस्ट, सुधा भारद्वाज इज नॉट अ टेररिस्ट, Anand Teltungde is not a terrorist, Yaslik is not a terrorist, Gautam Navlakan is not a terrorist, Omar Khalid is not a terrorist, Sharjeel Imam is not a terrorist, none of these people are terrorists. Khurram Parvez, why is he in jail today? He is the 10th pole in Kashmir, a guest who walks the line between what the state has done to that people and standing against militants. His organization has documented the horror of what the Indian state has done in Kashmir. That is why he is in jail, because he is actually exposing the terrorism and the terrorists that the Indian state is. That is why he is in jail. So, jaise Amit Shah actually altered the UAPA so that it's not just an organization but an individual that they can be counted as a terrorist. So all these young people, all these students, all these leaders, all these activists, all these intellectuals who are in jail, I just want to read to you what Amit Shah said. When the law was amended on the 1st of August 2019, he said, "Sir, guns do not give rise to terrorism. The root of terrorism is the propaganda that is done to spread it. And if all such individuals are designated as terrorists, I don't think any member of parliament should have any objection. This is the attack on students, on intellectuals, on all of us who have been called urban nuksals and all of that." So, जैसे इन्होंने ये कृषि कानून वापस लिया,
ऐसे इनको एनआरसी सीएए वापस लेना पड़ेगा। और मैं सिर्फ दो चीज और कहना चाहती हूँ। एक तो इनको सत्ता से हटाना पड़ेगा, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से ऑपोजिशन में लड़ते हैं वो लोग इनके साथ। यूपी में हम चाहते हैं कि पूरा ऑपोजिशन जो फैशिज्म के खिलाफ है वो एक साथ हो जाए, और अगर वो नहीं होते हैं इसका मतलब है वो उनके साथ। और दूसरी बात है, एक छोटी एक बड़ी सी बात है, और मैं इसके बारे में सोच गई थी कि हमें एक मांग उठाना पड़ेगा कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आप एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं, एक ही टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये महाराजा राजा का समय वो खत्म हो गया। We want one individual can be prime minister for one term. That's it. That has to be a democratic demand from us. Thank you.